किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नीमाटोड की। नीमाटोड पर आपको याद होगा, हमने 2019 में एक अमरूद की बागवानी के अंतर्गत भाग 3 पुस्तक लिखी थी, जिसका टाइटल था नीमाटोड जानकारी बचाओ व उपचार। आइए आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। किसान साथियों, अगर आपके अमरूद में नीमाटोड है तो आप कैसे पहचान करेंगे और इसकी रोकथाम के क्या उपाय होंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे। ये कोई थ्योरिटिकल वीडियो नहीं है, इस वीडियो में जो किसानों ने प्रयोग किए हैं, जो जो दवाई मैं बताऊंगा उनका जो प्रयोग किया है और उसके क्या रिजल्ट आए हैं, मैं उन सबको दिखाऊंगा। ये किसी भी कंपनी की किसी दवाई का प्रचार नहीं है, बल्कि जिनका उपयोग हुआ है उनका किस प्रकार उपयोग किया और उसके क्या परिणाम मिले, ये सब विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। किसान साथियों, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि अमेजिंग किसान का उद्देश्य किसानों को शिक्षित करना है, और इतना शिक्षित करना है कि इसमें उन्हीं के द्वारा किए गए प्रयोगों की जानकारी जुटाकर उसको संग्रहित करके वेबसाइट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से उसको प्रकाशित किया जाए, जिससे कि जो किसान नए हैं और बार बार एक ही सवाल को पूछते हैं, उनको हम सीधे ये बता सकें कि इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट और वीडियो पर दी गई है। नीमाटोड एक ऐसी बीमारी है जिसे अमरूद का कैंसर कहा जाता है। ये जड़ों में एक गांठ के रूप में पाई जाती है और एक सूत्रकर्मी होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और ये सूक्ष्म सूत्रकर्मी जो जड़ हैं उसमें अंदर प्रवेश कर बैठ जाते हैं, और जो जड़ जो भोजन ग्रहण करती हैं उन जड़ों को जो भोजन होता है उसको चूसने लगते हैं। इससे वहाँ पर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं और पौधे को जब भोजन नहीं मिलता तो पौधे पर इसका असर दिखाई देने लगता है। किसान साथियों, इस विषय पर मैं एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाने की सोच रहा था और सामग्री इकट्ठा कर रहा था। एक किसान है राजू लाल मीना, जो करौली राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे अपने पौधे की कुछ फोटो भेजी। जब मैंने उनसे कहा, मुझे शक हो गया कि इसमें जो है नीमाटोड हो सकता है। मैंने उनसे उसकी जड़ निकाल कर दिखाने के लिए कहा। आप देखिए, ये जो फोटो इन्होंने भेजी थी, जब इसकी जड़ निकाली गई तो वो इस तरह से निकली। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे जो आपके पौधे स्वस्थ हैं वह भी बताइए। इन्होंने बताया कि आज मेरे पौधे 1 वर्ष और 15 दिन के हुए हैं, और ये पौधे अधिकतर स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ पौधों में इस तरह की बीमारी है। ये पौधे इनके यहाँ बर्फखान गोला वैरायटी के हैं, जो कि राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध है, और ये इन्होंने हिंदुस्तान नर्सरी जो है, जो सवाई माधोपुर में, वहाँ से खरीदे थे। किसान साथियों, नर्सरी का इसमें कितना योगदान है, इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके, सबसे पहले के पहचान कैसे करेंगे हम इसकी। किसान साथियों, आपको याद होगा कि एक जय हिंद नर्सरी है भिवाड़ी में, उसके जो संस्थापक हैं वो हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी ने 4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने बताया था कि मेरे 4 पौधों में नीमाटोड का, मेरे को लगा कि इनमें नीमाटोड है। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया था, जिसकी कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने पौधों में किस प्रकार खोदकर, आप भी इस तरह अपने पौधों की जड़ों की जांच कर सकते हैं।
उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार उन्होंने जड़ के पास से मिट्टी हटाकर जड़ें निकाली। और ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश करी आप लोगों को कि नीमाटोड क्या होता है। नीमाटोड में इस प्रकार गांठें बन जाती हैं और पौधा जो धीरे 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 पीला पड़ने लगता है और जो पौधा है वो इस प्रकार दिखाई देने लगता है। किसान साथियों, इन्होंने इन चार पौधों में जब ये इन्हें पक्का हो गया कि इनमें नीमाटोड है, तो इन्होंने इन पर वेलम प्राइम से उपचार किया। उपचार किस प्रकार किया ये सब इनकी इस वीडियो में बताया गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपके यहाँ पर नीमाटोड है, ये कंफर्म हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि नीमाटोड है, तो आप इस प्रकार इसका उपचार कर सकते हैं। किसान साथियों, इस उपचार के कुछ समय बाद इन्होंने जो वीडियो बनाई वो मुझे भेजी और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेलम प्राइम से चार में से कितने पौधे सही हुए और अगर कुछ पौधा सही नहीं हुआ तो उसका क्या कारण था। आइए देखते हैं इनकी ये। जय हिंद किसान भाइयों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। मैंने 28 मार्च 2020 को एक वीडियो डाली थी कि अमरूद में निमाटोड के लिए वेलम प्राइम का कैसे उपयोग करें, और मैंने उसका उपयोग चार पौधों पर किया था। आप देख पा रहे हो कि ये है और एक ये पौधा है जो काफ़ी स्वस्थ है अब, और इनमें फूल भी आ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे फल बन रहे हैं ये हैं। और उस वक्त इनकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी और बिल्कुल कमज़ोर थे ये। निमाटोड किसी भी नर्सरी से आ सकता है, चाहे कोई कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन इसका कोई चेक करने का ऐसा कोई प्रमाणिक तरीका नहीं है कि नर्सरी वाला चेक करके आपको दिखा दे, आप तुरंत उसको मौके पर चेक कर लो, क्योंकि निमाटोड के जो लक्षण हैं वो तुरंत पौधे में दिखाई नहीं देते, वो करीब 6 महीने बाद दिखने शुरू हो जाते हैं, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो सबसे अच्छा है कि जब आप पौधे लें तो आप खुद ट्रीटमेंट करें और फिर पौधे को प्लांटेशन करें। ये वही पौधे हैं, ये चार पौधे थे जिसमें एक ये बाद में हमने लगाया, क्योंकि इसकी जड़ें चारों तरफ से हमने खुदाई के दौरान निमाटोड चेक कराने के लिए, काफ़ी गहरी इसकी जड़ें थी वो काटती थी, कट गई थी गलती से और फिर पौधा सूख गया था। तो उसकी जगह हमने ये 29 मार्च के लगभग हमने फिर ये ना सॉरी अप्रैल में ये पौधा प्लांटेशन कर दिया था ताइवान पिंक का, और एक ही ये पौधा था। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट करने के बाद फिर मैंने इनकी कटिंग भी कर दी थी सभी की। ये देखिए ये सभी ये कटिंग कर रखी है इन सभी पौधों की। इसके बाद नई फुटान आई और इसमें सभी में कितना अच्छा फल लग रहा है। ये ताइवान पिंक है और इसमें बहुत ही ज़्यादा निमाटोड था। अगर आप इसकी पिछली वीडियो देखें तो 48 नंबर वीडियो है, उसका नंबर 48 है और उसमें ये लिख रखा है कि निमाटोड का नियंत्रण वेलम प्राइम से कैसे करें अमरूद के पौधों में। और अब हम इन चार पौधों को, क्योंकि ये तो नया लगाया है और ये पहले का है, हम इनमें अब दोबारा से चेक करेंगे कहीं निमाटोड तो नहीं है। तो चेक करो भाई, धीरे धीरे जड़ें ना कट जाए, क्योंकि पहले कोई जड़ें थी नहीं इसमें, बिल्कुल काली होके ब्लॉक हो गई थी। ये देखिए ये पहले निमाटोड था, निमाटोड हट के फिर ये नई जड़ें आ गई है। इसकी भी सब कटिंग कर रखी है, ये देखो ये यहाँ से कटिंग कर दी थी, नई फुटान ली थी। ये देखिए इसमें कहीं कोई भी निमाटोड नहीं। किसान साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पौधा लगाने के कितने समय बाद आपको निमाटोड पता लगने लगता है। सब किसानों से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि आपको पौधे की 6 से 8 महीने बाद निरंतर जांच करनी चाहिए,
और एक साल होते होते इसका असर दिखाई देने लगता है। अधिकतर किसानों के जिनके मेरे पास आए हैं हरियाणा और राजस्थान से कम 20 से 25 किसानों के फोटो, पौधों की फ़ोटो और उनकी जड़ों की फ़ोटो मेरे पास हैं, और उन सबसे देखने पर पता चला कि लगभग एक साल के बाद ये कार्य शुरू होता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप 6 से 8 महीने के बाद अपने पौधों की निरंतर देखरेख करें। किसान साथियों, अब हम इसके करते हैं, एक तो उपाय हुआ वेलम प्राइम का। अब वेलम प्राइम के अलावा और कितने उपाय हैं? किसान साथियों, जो मेरी पुस्तक है जो 2019 में लिखी है निमाटोड पर, उसमें वेलम प्राइम के अलावा दो और उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है केश कांति। केश कांति एक हर्बल दवाई है जो कि सिरसा में रहने वाले एक कृषक बनाते हैं। अगर आपको ये दवाई प्रयोग करनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये दवाई ले सकते हैं। इनका पूरा एड्रेस हमारी पुस्तक में दिया गया है जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान साथियों, मुझे कुछ किसानों ने बताया कि ये दवाई भी बहुत कारगर है और उन्होंने इसका प्रयोग किया है और इसमें सफलता पाई है। किसान साथियों, तीसरी दवाई है निमिट्स। निमिट्स का प्रयोग भी कुछ किसानों ने किया है। ये दवाई अदामा कंपनी की है और इसे किस प्रकार प्रयोग करते हैं ये हमने अपनी 2019 की पुस्तक में पूरा विवरण के साथ लिखा है। आइए किसान साथियों, मैं एक नई दवाई का नाम बताता हूं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे अनभिज्ञ होंगे। किसान साथियों, जो वेलम प्राइम दवाई है उसकी कीमत 8,000 रुपये लीटर है और एक पौधे में ये कम से कम, जो छोटा पौधा होगा, 3 ml से लेकर 6 ml तक पड़ती है। और निस्टोर दवाई जो है वो एक तुषार भाई हैं जिनकी कंपनी है अहमदाबाद में। तुषार भाई की एक प्रयोगशाला है, वो स्वयं एक सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक है, यानी वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल भिन्न है। उनके पास वो किसान जाते हैं जो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। ये पहले हम आप सुनते हैं कि तुषार भाई इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अमरूद अनार जैसे हॉर्टिकल्चर प्लांट के रूट के अंदर होने वाले निमेटोड और फंगल के इन्फेक्शन के बारे में और उसके टेस्टिंग के बारे में। हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं ऐसे प्लांट के रूट जहाँ पर निमेटोड या तो फंगल का इन्फेक्शन है, और उससे क्या फायदा हो रहा है वो आज हम बताएंगे आपको। फायदा क्या होता है फार्मर को, जैसे हमारे पास रूट के सैंपल आ रहे हैं, इन्फेक्टेड रूट के सैंपल, उनमें से हम निमेटेड और जो फंगस इन्फेक्शन कर रही है प्लांट में, उन दोनों को आइसोलेट करते हैं। कौन सा स्टेज में है, कितने परसेंटेज में है, कौन कौन सी वेराइटी है, ये आइडेंटिफाई होती है, और बाद में हम फार्मर को बता दें ये वेराइटी फंगस की है, इतने परसेंटेज में है, ये निमेटोड है इतने परसेंटेज में, और बाद में उसका एंटी डोज फाइनल होता है कि ये एंटी डोज है इसका, आप इस तरह से उसका यूज करो। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने अमरूद का एक प्लांट था जिसमें निमेटोड का इन्फेक्शन हुआ था, उसमें से ये सब निमेटोड आइसोलेट किए हैं। देखिए आप, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में है। यहाँ पर हमको निमेटोड भी दिख रहा है और उसका एग भी दिख रहा है। इससे हमको पता चलेगा कि निमेटोड या फंगल कौन से स्टेज में और कितनी मात्रा में। बाद में हम एक प्रीफर करते हैं, ये निस्टोड ब्रांड का एंटी डोज है निमेटोड के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फीडबैक भी अच्छा है फार्मर का। इसका डोज प्रति एकड़ 1 लीटर का है, 1 लीटर है प्रति एकड़ का, मगर एनालिसिस के बाद हम उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं फार्मर को कि जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से पर प्लांट इसका डोज कितना होना चाहिए। सपोज पर प्लांट इन्फेक्शन के हिसाब से 2 ml पर प्लांट है, या 5 ml पर प्लांट है, या 10 ml पर प्लांट है, और रिपीट कितने दिन में करना है और किस तरह से करना है। इस तरह से अगर कोई फार्मर रूट सैंपल का एनालिसिस करवाता है तो उसमें कितना परसेंटेज फंगल का और निमेटोड का इन्फेक्शन है हम चेक कर सकते। तो ये अभी आपने सुना तुषार भाई को। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि अगर पौधे में असर आते ही उसकी जड़ लेकर आप टेस्ट करा लेते हैं तो उससे इनको ये पता लग जाता है कि इसमें रोग की कौन सी अवस्था है और किस प्रकार का ये निमाटोड है।
उसी के अनुसार ये दवाई बताते हैं, और जो इनकी दवाई है वो लगभग 900 रुपए लीटर है जो इन्होंने बताई है। उसकी कितनी मात्रा देनी है यह इस बात पर निर्भर करता है, मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पौधों में नीमाटोड की क्या अवस्था है। किसान भाइयों, टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। बाग में जो एक दो वर्ष की मेहनत है वो आपकी खराब जा सकती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप थोड़े वैज्ञानिक तरीके भी अपनाना शुरू करिए। एक किसान है रमेश जी, रमेश जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनका फ़ोन नंबर 9981514626 है। आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं, इन्होंने अपनी जड़ें जब तुषार भाई को भेजी तो इन्होंने वो फोटो मेरे पास भेजे कि जब जड़ें निकाली गई थी तब पौधों की क्या स्थिति थी। ये देखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर स्वयं देखिए। टेस्ट करने के बाद इन्हें पता चला कि इसमें नीमाटोड की ये अवस्था है, और निस्टोड से ही इलाज करने के बाद पौधे इस तरह से हो गए। जब उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद देखिए पौधों की ये स्थिति है। किसान साथियों, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहां 900 रुपए लीटर जो तुषार भाई की दवाई है, और 300 रुपए लीटर केस कांति की दवाई है, और 8000 रुपए लीटर वेलम प्राइम है। आप सभी पौधों पर मेहनत करें, पर कुछ पौधों पर करें। अगर मैं ये मानकर भी चलता हूं कि जो टेस्टिंग का खर्चा है वो 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में आता है, और आपकी एक लीटर दवाई से काम चलता है, तब भी ये बहुत सस्ती पड़ेगी और आपके पौधे स्वस्थ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि आपको पता होगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट कराता है, और अगर टेस्ट के बाद दी गई दवाई अधिक कारगर होती है बनिस्पत उसके के जो दवाई बिना टेस्ट कराए दी जाए। किसान साथियों, अब हम देखते हैं कि ये नीमाटोड आता कहाँ से है। किसान साथियों, आप सबको ये देखकर आश्चर्य होगा कि मेरे खेत में कभी पहले नीमाटोड नहीं था, और अमरूद लगाने के बाद नीमाटोड आया है। जी हाँ, ये सबसे अधिक नर्सरी की पौध से आता है। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि नर्सरी वाले जानबूझकर ये काम करते हैं। जो मैंने इसका विश्लेषण किया और इस पर ध्यान दिया और इसका गहनता से अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि किस जो नर्सरी वाले हैं वो जो बीजू पौधे हैं वो अपने यहाँ पर उगाते हैं, लेकिन उससे उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। जब वो बीजू पौधे दूसरी जगह से लेते हैं तो सबसे अधिक शिकायत उसमें पाई गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी नर्सरी वालों से निवेदन करता हूँ कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो बीजू पौधे लें, उन्हें ये अवश्य बताएं कि आपको इनकी मिट्टी किस प्रकार तैयार करनी, और थैली भरते समय किस प्रकार आपको उसका मिट्टी का ट्रीटमेंट करना है। अगर हम सभी इस बात पर ध्यान देंगे और इसका पहले से ही इलाज कर लेंगे, तो न नर्सरी वालों को नुकसान होगा और न ही आपको किसानों को कोई नुकसान। किसान साथियों, एक बहुत ही अच्छे किसान हैं राजकुमार जैन जी, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। वो कहते थे कि किसानों को प्रयोग करना चाहिए, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इनमें से सब दवाई का प्रयोग करें, थोड़े थोड़े पेड़ों पर करें, और उस प्रयोग को हमारे साथ साझा करें, जिससे कि हम उसे किसानों तक पहुंचाएंगे। किसान साथियों, इस वीडियो के बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है। मैं जाने अनजाने उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह सब मेरे को उपलब्ध कराया और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मेरी सहायता की। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।